कराची से खबर शामिल करते हैं जहां पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से तनख्वाह लेने वाले बलद्या जनूबी और बलद्या शिरकी के सेंकड़ों मलाजमीन गुजशत माह की तनख्वाह में ताखिर के बाद माह दिसंबर की तनख्वाह की अदायगी बहाल नामुमकिन हो गई है जिससे ये मलाजमान माली मुश्किल का शिकार हो गए हैं इन ख्याल का इजहार म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के सदर सईद जुल्फकार शाह मरकजी कायदीन अशरफ एवान गिल इस्लाम जावेद लौच हबीबाल एवान बारिस गुलनाथ राजा आसिम शहजाद जहांगीर शाह मंजूर ने अपने का खदशा पैदा हो गया जिससे में है जिससे मुतासरा मुला बेचैनी पाई जाती है हालांकि ग्रांड भी पांच रोज कबल जारी कर दी गई है और कराची के तमाम डी एम सीज में तनख्वाहों की अदायगी भी कर दी गई है ता खैर ऐसी तनख्वाह की अदायगी के बाद बच्चों के स्कूल फीसों फ्लैक्सिलॉन यूटिलिटी बिल्स की अदायगी पर भी जुर्माने अदा करने पड़ेंगे जबकि इस माह मसी मिलाजम का क्रिसमस का त्यौहार भी है जिसके लिए बीस दिसंबर से कबल तनख्वाहें अगले माह की रकम की बजाय अदा करने का नोटिफिकेशन भी हकूमत सिंध के महकमा फैनानस ने जारी कर दिया है अब जबकि माह नवम्बर की तनख्वाह अदा नहीं की गई तो किस तरह मुमकिन है कि बीस दिसंबर तक दूसरी तनख्वाह भी अदा कर दी जाएगी उन्होंने कहा है कि आइंदा चौबीस घंटे के अंदर अंदर तनख्वाह अदा ना की गई तो फिर मुलाजमिन एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे